मंगलवार सुबह नगर के विश्राम गृह पर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक आयोजित की गई। विदित है कि लंबे समय से शहर सुरक्षा की दृष्टि से शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जन चर्चाएं हो रही थी, लेकिन इस बात पर अमल नहीं हो पा रहा था। विषय की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक इकाई द्वारा महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर यह निर्णय लिया गया कि हमारे शहर सुजालपुर को सुरक्षित सुजालपुर बनाने की मुहिम प्रारंभ करते हुए मंडी क्षेत्र के लगभग 35 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे एवं एक कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि मामला अर्थ से जुड़ा है। इस हेतु इस सराहनीय कार्य में व्यापारिक, सामाजिक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी वर्ग एवं फुटकर व्यापारियों से आर्थिक सहयोग एवं योजना को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। जन चर्चा के अनुसार सभी लोग इस मुहिम से जुड़ने को भी तैयार हैं। सुजालपुर से ब्रज राठौर की रिपोर्ट। नगर में लगातार बढ़ती चोरियों को और अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के जो दिक्कतें आ रही हैं उसको देखते हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ सुजालपुर द्वारा एक मुहिम प्रारंभ की गई है। इस मुहिम के तहत श्रमजीवी पत्रकार संघ सभी के सहयोग से नगर के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे सार्वजनिक रूप से लगाना चाह रहा है। इस मुहिम में मैं सभी से अपील करूंगा कि आप अपना सहयोग और सुझाव हमें दें, जिससे यह कार्य अच्छे से सफल हो। यह अभियान नगर के सुरक्षा और अन्य प्रकार की सभी सुविधाओं से के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें सभी का सुझाव और सहयोग अपेक्षित है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।